दोस्तों, अगर आप भी शीघ्र पतन की समस्या के शिकार हैं, जल्दी आपका वीर्य निकल जाता है, स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, हमेशा आपको उनके आगे शर्मिंदा होना पड़ता है, जोश की कमी है, स्टैमिना की कमी है, टाइम आपका बहुत कम है, जल्दी थक जाते हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया आसान घरेलू उपाय जिसे आप आयुर्वेदिक उपचार भी मान सकते हैं। घर पर बनाना बहुत ही आसान है, जल्दी आपकी शीघ्र पतन की समस्या ठीक हो जाएगी, जोश, ताकत, स्टैमिना आपका बढ़ जाएगा और आप अपनी स्त्री को पूरी तरह संतुष्ट कर पाएंगे। सारी रात भी करेंगे तो थकेंगे नहीं, जोश बना रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी खास जानकारियों की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है। मुलेठी का इस्तेमाल, जी हाँ दोस्तों, मुलेठी का इस्तेमाल आपको करना है। मुलेठी का इस्तेमाल वैसे तो ज़्यादातर खांसी, जुकाम या गले की खराश को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि शीघ्र पतन के इलाज में भी मुलेठी काफ़ी प्रयोग की जाती है। वैद्यों के अनुसार वैसे तो मुलेठी को वात पित्तनाशक और शुक्रवर्धक माना गया है। मुलेठी का इस्तेमाल शीघ्र पतन को रोकने के घरेलू उपाय के रूप में भी लेकिन किया जाता है। रोजाना मुलेठी का आप चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को, एक चम्मच चूर्ण को इसको दूध के साथ आपको लेना है। शीघ्र पतन की समस्या आपकी पूरी तरह दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप शीघ्र पतन की समस्या को दूर करने के लिए आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण को एक चम्मच शहद के साथ भी रोजाना सेवन कर सकते हैं। किस कप ये आपको करना है, एक सुबह नाश्ता करने से पहले और एक रात को सोने से पहले, यानी खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद आप इसे खा लें और जो उसके बाद आप सो जाएं। कुछ ही दिनों में दोस्तों आपकी शीघ्र पतन की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बहुत ही देसी पुराना नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखें, आपको निश्चित फायदा पहुंचेगा। बाकी आपको स्वास्थ्य से संबंधित या शीघ्र पतन से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।